आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, so the problem is that the rational expression of some real number given below, if each the decimal represent the rational number or not. If the rational number in the form of p by q, so हमें बताना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ q क्या होंगे। नंबर हमारा है 0.16 बार। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले इसे p by q की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि x जो है 0.16 बार है। सो अब हमारे पास 2 के ऊपर बार है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन को है मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100 से। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100। सो यहाँ पे मेरे पास हो गया 100x, और यहाँ मेरे पास हो जाएगा 16.16 बार। ठीक है, सो क्लियरली अब मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ 2। अब हम लोग क्या करेंगे, दैट सेकंड माइनस फर्स्ट। सो सेकंड इक्वेशन में से मैं फर्स्ट इक्वेशन को जो है माइनस करूंगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरे पास बच गया 99x, और राइट हैंड साइड में मेरे पास बच जाएगा 16। सो क्लियरली मेरे पास x की वैल्यू जो आई है वो आ गई 16/99। सो हम इसे p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अब हमसे कहा गया है दैट q के बारे में बताओ, क्योंकि p तो यहाँ पे कितना हो गया, 16 हो गया, एंड q इज इक्वल टू 99 हो गया। अब q के प्राइम फैक्टर कैसे होंगे ये हमें बताने हैं। तो q मेरा 99 है, तो q के प्राइम फैक्टर, q के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5 होंगे, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।